तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंका ब्लॉगर में। और अभी मैं लिफ्ट में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज सोसाइटी में कुछ समर फेस्ट बोल के कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग फिलहाल अभी वहीं जा रहे हैं। तो जो जो होगा वो मैं आपको दिखाती चलूंगी। तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मौसम भीगा हुआ है, रास्ता सड़कें पूरी भीगी हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ बैंगलोर में। बादल तब भी लगे हैं, देखते हैं प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। हाँ। तो हम लोग तो रेडी हैं और लेकर चल रहे हैं। अगर बारिश बीच में शुरू हो गई तो वापस घर आ जाएंगे हम लोग। काफी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुझे तो दूर से ही दिखाई दे रहा है, आपको नजदीक से मैं दिखाऊंगी। अच्छा लग रहा है, सोसाइटी में कुछ ना कुछ होता रहता है तो मजा आता है। बहुत हैपनिंग सा माहौल बना रहता है यहाँ पे सोसाइटी में अपने। तो बहुत भीड़ लग रखी है शाम से ही, हम लोग थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, बट कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या क्या है। आज संडे और संडे के दिन अपने सोसाइटी में समर फेस्ट रखा गया है, तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, अच्छा है, हैपनिंग माहौल है और लोगों की भीड़ एकदम जमाजम हो रखी है यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ पहुँच गई हूँ और एक एक काउंटर, एक एक स्टॉल के पास जाके मैं देख रही हूँ कि कहाँ क्या क्या सेलिंग चल रहा है। तो कहीं नमकीन भजिया पापड़ बिक रहे हैं, तो कहीं अचार बिक रहा है, तो कहीं कपड़ों की भी, ये क्या, कपड़े का भी कलेक्शन रखा हुआ है, कुर्ता और मेंस वोमेन दोनों के ही हैं, टी शर्ट और क्या कहते हैं लोअर, हाफ पैड, हर तरह की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद ड्रेस मटेरियल भी है, जिसमें कश्मीरी कढ़ाई का कुर्ता भी मुझे यहाँ नज़र आया। और चारों तरफ देख ही रहे होंगे, यहाँ मेरा बेटा भी है और मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ यहाँ बात कर रहे हैं। बीच में काफ़ी पानी का थोड़ा सा जमजमाव था क्योंकि बारिश भी हो रखी थी, तो थोड़ा बहुत रास्ते में पानी तो था ही, लेकिन समर फेस्ट का भी मज़ा अलग ही था। लोग काफ़ी मज़े से खा पी रहे थे यहाँ, छोले भटूरे, वड़ा पाव और क्या कहते हैं मिसल पाव, बिरयानी, गोलगप्पे, ठंडा गोला, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और यहाँ तो आपको नज़र आ ही रहा होगा बच्चे बहुत खेल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ट्रैम्पोलिन भी लगी हुई है, बच्चे मस्ती से यहाँ खेल रहे हैं। मतलब कुल मिला के बड़ों से लेकर छोटे बच्चे तक के लिए काफ़ी अरेंजमेंट थी यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मैं बस देखती जा रही थी कहाँ क्या क्या है। यहाँ मुझे नज़र आया काफ़ी रंगोलीज और कुछ घर में सजावट की चीज़ें, पूजा का सामान और मालाएं वगैरह भी थी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। मूर्तियाँ भी हैं ना भगवान जी की, और काफ़ी एक्सेसरीज़ है। और यहाँ पे बिक रहा था रेडीमेड कुर्ता,
ये भाई साहब बेच रहे थे। और हमारे सोसाइटी की जितनी भी लेडीज़ हैं जिनको शॉपिंग बहुत प्रिय है, वो सारे अपने पसंदीदा चीज़ों का ख़रीदारी कर रहे थे यहाँ पे, और मुझे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। हालांकि मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है यहाँ से, बस मैं देख रही थी। मैं ज़्यादा इसी चीज़ को इंजॉय करती हूँ। भीड़ भी बहुत थी तो मैंने देखा, ख़रीदारी कुछ भी नहीं किया मैंने। पीछे तो देख लिया कितना भीड़ है, यहाँ भी काफी पब्लिक इकट्ठा हुई है यहाँ पे। आगे ले चलती हूँ, कुछ मैजिक शो वगैरह चल रहा है तो वहाँ भी दिखाती हूँ आपको। Okay, you take a handkerchief out and you show it to everybody. A brightly colored handkerchief will be a good idea. You can have a handkerchief and show it to everybody. But what your other hand is doing at that point of time is pulling out the... तो यहाँ ये मैजिशियन भाई साहब जो है ये कुछ मैजिक दिखा रहे थे। हम लोग यहाँ थोड़ा आधे घंटे लेट पहुँचे थे तो इन्होंने कुछ कुछ मैजिक दिखा दिया था, और हमारे पहुँचने तक ये छोटे बच्चों को कि कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स, छोटा छोटा ट्रिक बता रहे थे कि मैजिक कैसे किया जाता है। तो ये वहाँ सिखा रहे थे बच्चों को कि क्लास कैसे किस तरीके से कौन सा मैजिक आप दिखा सकते हो। तो मैं वहाँ कुछ देर थी और देख रही थी कि काफ़ी बच्चे जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेकर मैजिक सीखने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी इंटरेस्ट लेकर वो लोग मैजिक देख भी रहे थे और सीख भी रहे थे, ट्रिक वगैरह सीख रहे थे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिताई वहाँ पे, मैं थोड़ी देर वहाँ थी, कुछ कुछ ट्रिक्स मैंने भी देखा, उसके बाद मैं वहाँ से तुरंत ही निकल गई। तो पीछे बच्चों को मैजिक ट्रिक वगैरह सिखाया जा रहा है, पता नहीं मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। तो पीछे काफी भीड़ इकट्ठा है, वहाँ पे मैजिक ट्रिक बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो काफी देर मैं खड़ी रही, फिर वहाँ से निकल आई हूँ, देखती हूँ आगे और क्या क्या स्टॉल लग रखे हैं। तो फिलहाल तो मैं वही जा रही हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बस इस बड़े से एरिया में घूम घूम के देख रहे थे कि कहाँ क्या क्या ख़रीदारी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा लाइटें लगी हुई थी, फ्लैश लाइट, और स्टॉल्स भी काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे साइज़ में थे, और लोगों की भीड़ तो जैसा मुझे वैसा आप लोगों को भी नज़र आ ही रहा है। समर फेस्ट में आके अपना बचपन लग रहा है कि वापस से आ गया है। जैसे हम लोग बचपन में मेले जाया करते थे अपने मम्मी पापा के साथ, कुछ वैसा ही माहौल यहाँ भी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए हैं, और हर तरफ चीज़ें बिक रही हैं, बच्चों के खिलौने, बच्चों के लिए क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड गर्ल्स के लिए क्लचर वगैरह, बिंदी, चूड़ियाँ, जितनी भी सारी चीज़ें जो हम अपने बचपन में देखा करते थे और ख़रीदा करते थे बड़े शौक से, वही फीलिंग आज भी आ रही है मुझे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा इस मेले में शामिल होकर। तो आगे बढ़ते हैं और आपको भी दिखाती रहूँगी जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं।
की भीड़ आपको नजर आ ही रहा होगा। यहाँ सामने ज्वेलरी एक्सेसरीज है, काफी सुंदर है, सारा कुंदन वर्क है, बहुत पसंद आया मुझे इनका कलेक्शन, बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी मौसम अच्छा है, अभी बारिश तो नहीं हो रही है, अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही है, बट हाँ लोगों की भीड़ बहुत है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि जबरदस्त भीड़ है। एक बार तुम भी कुछ हाय वाय कर दो। यहाँ पर बच्चों का खेलने का भी है, बच्चों का खेलने का भी अच्छा सिस्टम है और अच्छा है, मतलब काफी बढ़िया है फेस्ट। काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब कुछ खाने पीने का भी है, शॉपिंग का भी है ना, और अच्छा है। बारिश का थोड़ा चक्कर पड़ गया है इसलिए थोड़ा किचकिच किचकिच हो गई यहाँ पर। ठीक है, सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे, बाय कर दो, सॉरी बाय नहीं, हाय करो। भीड़ है, काफी सारी चीजें देख ली और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि भीड़ में बच्चे को घुमाना थोड़ा उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से मैंने ट्राई किया और स्टॉल तो काफी सारे खाने पीने के लगे हुए हैं, छोले भटूरे के, वड़ा पाव, पेस्ट्री, पानी पूरी, गोला भी लगा हुआ है, बट मैंने थोड़ा दो चार पानी पूरी खा के निपटा दिया, ज्यादा नहीं खाया है मैंने। बहुत भीड़ है, बहुत लोगों को पीछे आप देख भी रहे होंगे कि अभी धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जा रही है यहाँ पे। बच्चे को लेकर थोड़ा मुश्किल था तो मैं जल्दी ही निकल आई हूँ वहां से। और तो अच्छा माहौल है, अच्छा रहा कि बारिश नहीं हुई, अभी शाम को हो चुकी थी, अब बारिश बंद है और पीछे काफी लोग आपको नजर आ ही रहे होंगे। और यहाँ कुछ फ्रेंड मिल गए हमारे तो उनको हाय करके चल निकलते हैं यहाँ से। तो आज का ये प्रोविडेंट का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, विच इज प्रियंका ब्लॉगर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर।